గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో మన కథ కళ్ళు పిడిగమే చాప్టర్ నంబర్ 3. ఆజ మ్యాచ్ స్టార్ట్ కర్ చాప్టర్ నంబర్ 4. చాప్టర్ నంబర్ 4 ఇస్కా నామ్ హై దో చలవాలే. దో చలవాలే. రేఖ సమీకరణ एवं असमिकाएं दुबला यानी कि इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 देखो इसमें सबसे पहले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं. तो वह समीकरण जो एक सरल रेखा को व्यक्त करता है. क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण. सरल रेखा का व्यक्त करने का मतलब है कि जो चर हैं कितने चर के पास दो चर. अगर हम उनका कोई मान निकाले चरों का वेमान जिसका जो रेखा का समीकरण है वो एक रेखा कह रही सीधे रेखा को निरूपित करते हैं एवं असमिकाएं. असमिकाएं किसे कहते हैं? देखो समीकरण में बराबर के स्थान पर मतलब समीकरण लॉग इवी टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के सिक्स. किसी भी समीकरण में बराबर के बाद में मान लो माइनस के प्लस के सिक्स है. इस बराबर के चिन्ह के स्थान पर इसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये चिन्ह आते हैं तो ये क्या बन जाती है? असमिका. क्या बन जाती है? असमिका. यानी कि बराबर के स्थान पर यदि लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ये चिन्ह आता है तो ये क्या बन जाती है? क्या कहलाती है? असमिकाएं. क्या कहलाती है? असमिकाएं. इसके बाद चलते हैं प्रश्नावली पर. तो प्रश्नावली समझने से पहले मैं इसको रैखिक समीकरण की जो योग होता है वो दो प्रकार का होता है, संगत और असंगत. अगर रैखिक समीकरण निकाल के अगर हल कोई हल है या अनेकल है तो रैखिक समीकरण होगा संगत. अगर ऐसा कोई हल नहीं निकलता है तो क्या होगा? असंगत. तो मैं सब इस सभी को मैं सारणी के बना करके करता रहा हूं. एक ही बार में समझ में आएगा आपको. देखो इधर सारणी से सबसे पहले गुणांक तो एक का प्लान हुआ समीकरण के गुणांकों का अनुपात. समीकरण के गुणांकों गुणांकों की तुलना दूसरा है आपका रेखाओं की प्रकृति. उसके बाद है बीजीय हल. एक बार का हमारा हल की प्रकृति जो हल है उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? संगत या असंगत ये बताना है. देखो समीकरण के जो गुणांक हैं अब उनकी तुलना करें गुणांकों के अनुपात की तुलना. गुणांकों के अनुपात की तुलना सबसे फर्स्ट यदि ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के. ए वन ए टू क्या है? आपको दो समीकरण दे रखे होंगे जहां एक्स का गुणांक होता है वो ए जहां ए टू है दूसरे समीकरण का ए बी होता है बाई का गुणांक यानी दूसरे चर का गुणांक. ये पहले चर का गुणांक ये दूसरे का गुणांक ऐसे दूसरे समीकरण में
ये इसका एक्सपोनेंशियल की भी वाला पाई का बड़ा है। अगर a1 upon b2 is not equal to b1 upon b2 है, इसका मतलब a1 upon b2 का जो मान है b1 upon b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे में जो हल की प्रकृति होगी, पहले रेखा की प्रकृति के और ऐसी कंडीशन बनती तो आज रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इनका जो बीजीय अनुपात वो कैसा होगा, अद्वितीय है, कैसा होगा, अद्वितीय है। हल अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसका कोई दूसरा मान नहीं है, हल की प्रकृति मैंने बताया था कोई मान आ रहा है किसी का निकलती है तो वो कैसा होता है, संगत। और हल की प्रकृति कैसी होगी, संगत। दूसरा देखो, यदि ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू और ए नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू। अब सी वन और सी टू क्या है, ये पहले समीकरण का चल पता है, ये दूसरे समीकरण का चल पता है। अगर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू तो है, अगर अचर पद इनके समान नहीं है तो कंडीशन क्या बनेगी, समांतर रेखाएं। अगर ये कंडीशन बनती है a1 बटे b2 बराबर के b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो जो रेखा होगी वो कैसे होगी, रेखा की प्रकृति समांतर, यानी दोनों ही रेखा समांतर बनेगी। उसके बाद जो हल की प्रकृति होगी, जब दो रेखा समांतर हैं तो उनका कोई हल निकल सकता है, नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में अब संगत होगा, संगत मैंने बताया था जैसे कोई हली नहीं है तो क्या हुआ, असंगत, क्या हुआ, असंगत। उसके बाद में तीसरी कंडीशन है ए वन बटे ए टू बराबर के बी वन बटे बी टू बराबर के सी वन बटे सी टू। जब अगर तीनों ही कंडीशन बराबर में आ जाए तब क्या होगी, रेखा की प्रकृति संपाती कैसे होगी, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखा कैसी होती है, वह रेखाएं जो एक दूसरे को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं ढके। अरे संपाती रेखा का मतलब होता है वह रेखाएं जो एक रेखा दूसरी रेखा को कह रहा पूर्ण रूप से ढके, वो कह रहा है संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं तो जो हल होंगे वो कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, अनेक हल होंगे, कैसे हल होंगे, अनेक हल। और हल की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, संगत। जब हल है तो कैसा है, संगत। ये बस तीन कंडीशन है जो तुमको याद करनी है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा इन कंडीशनों को ध्यान रखना, कौन सी कंडीशन पर हल की प्रकृति या बीजीय हल कैसा होता है। इसके बाद में चलते हैं किताब के क्वेश्चनों पे, तो एक बार बताएगा उसको ए वन नॉट ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन नॉट ए बी टू है तो प्रतिच्छेदी रेखा आएंगी, और जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो संपत्ति आ जाए तो रेखा एक जो काट रही है किसी बिंदु पे तो काट ही जाएंगी, यानी कोई ना कोई मान तो होगा वहां पर, यानी कि अद्वितीय हल है। और जब हल है उसका तो कैसा है, वो संगत। इसके बाद में ए वन बटे ए टू बराबर के बी वन बटे बी टू तो है बट इज नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू है तो रेखा कैसे होगी, समांतर। समांतर मतलब जानते हो दो रेखा समांतर है, अब जब दो रेखा ही समांतर तो कोई हल निकल सकता है, कहीं प्रतिच्छेदी नहीं कर रही तो कहां से हल निकलेगा, यानी कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो कैसा हुआ, असंगत। उसके बाद तीसरी कंडीशन थी ए वन बटे ए टू बराबर के बी वन बटे बी टू बराबर के सी वन बटे सी टू, तो संपाती रेखा है तो उनके हल होंगे वो अनेक हल होंगे और संगत होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चनों में चलते हैं चैप्टर नंबर 4.1 पर, संपादी रेखा भी बता रहा हूँ, संपादी रेखा कैसे होती है, ये कोई रेखा है उसी के ऊपर गुजरने वाली रेखा कहलाती है संपादी रेखा, कहलाती है, क्या कहलाती है, संपादी रेखा। और हम जानते हैं इसके तो बहुत सारे हल होंगे, कैसे होंगे, अनेक हल, तो अनेक हल है तो कैसा होगा, संगत। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4.1 पर, और चैप्टर नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन,
इसका पहला क्वेश्चन है कि अनुपातों ए वन अपॉन ए टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका अनुपातों ए वन अपॉन ए टू कॉमा बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू की तुलना करने पर की तुलना कर ज्ञात कीजिए ये निम्न रेखीय समीकरणों के
कोई हल नहीं होता, अतः वे गांव का कोई हल नहीं होगा तथा वे गांव का कोई हल नहीं होगा। अब हमें तो बस ये पूछा है कि संगत है असंगत, जब कोई हल ही नहीं है तो क्या होगा असंगत, तो अदत दी गई रेखाएं असंगत संभव
निष्पाती होगी तथा समीकरण के हल यानी कि रेखाओं के जो हल है बीजी हल है वो कितना होगा अनेक अलगे तथा रेखाओं के अनेक अलगे तीन
माइनस दो एक्स बराबर कितना जगह ए मान्य कर रहे हैं। ऐसे ही समीकरण दो के मान निकालने हैं तो पहले निकाल लेता हूं मैं समीकरण नंबर दो के मान मान है आपके 3x माइनस 2y बराबर के 4। देखो इधर एक को क्वेश्चन कर दो माइनस के बराबर क्वेश्चन करता हूं 3x बराबर के 4 माइनस के 2y को क्वेश्चन करता हूं तो प्लस के 2y हो जाएगा 3x यानी कि x बराबर के 4 प्लस 2y बटे कितना 3। फिर क्या करते हैं क्वेश्चन कर देखो y का ऐसा मान रखो जैसे कि अपना देखो यार सबसे पहले पाई बराबर के क्या रखते हैं एक एक्स बराबर के 4 प्लस 2 इंटू वन रखे बटे 3। देखो यहाँ पे मान रखो इस प्रकार रखना है कि जैसे कि 3 का भाग चला जाए कैसी सामान्य साधारण संख्या आ जाए या फिर कोई भी बस ये ध्यान रखना कि दशमलव में ना बैठे संख्या है। देखो अगर मैं यहाँ पर एक रखता हूँ तो 2 और 4 में से 6 हो जाएगा 3 का भाग चला जाएगा तो चलो मैंने y बराबर क्या रखते मैंने 1 तो x का जो मान आता है वो कितना आता है देखो 4 2 6 बटे 3 करोगे कितना आता है 2 तो इसकी भी साइड डालोगे साइड में तो मैं इसकी दूसरी रानी यहां लेता हूं माइनस वन माइनस टू
होगा, उसके बाद एक्स पर दो वाई पर एक, एक्स का तो खाई ये रहा वाई का एक ही रहा, इसके सामने वाला बिंदु ये हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक्स पर एक और वाई का दो, एक्स का एक और वाई का दो, ये हो गया तीनों बिंदु। इसके बाद में तीनों बिंदु दर्शाने के बाद में इसको मिला देना, इस टाइप में ग्राफ बन गई। उसके बाद में दूसरी जगह के मान पर दो, एक्स का मान दो है, वाई का मान कितना है एक, एक्स का दो हीरा वाई का एक, ये वाला बिंदु हो जाएगा। उसके बाद में एक्स पर जीरो वाई पे माइनस दो, एक्स का जीरो वाई का माइनस दो खाई हीरा। उसके बाद में एक्स पर चार और वाई पर चार, एक्स का चार वाई का कितना है हीरा, दोनों को आमने सामने वाला बिंदु, इन तीनों बिंदु को बना दो। देखो इधर जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो और एक पर, तो ऐसे है दोनों रेखाएं दो कॉमा एक पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः दोनों रेखाएं दो कॉमा एक पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। और आपको यही से पता चल जाएगा कौन कौन से बिंदु सेम है, दो और एक, दो एक, तो सिंपल सी बात है इन बिंदुओं पर क्या करेगी, देखा प्रतिच्छेद करेगी दो एक पर। तो एक्स का जो मान है पहला मान कितना है दो, और वाई का जो मान होगा कितना है एक, पहला जो मान कितना है एक्स का, दूसरा मान किसका है वाई का, तो एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक है। और मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा कल की प्रकृति, मैंने बताया अगर रेखा प्रतिच्छेद होती है तो अलग प्रकृति कैसे होती है, संगत या असंगत। अतः हल्की जो प्रकृति है, हल्की प्रकृति कैसे होगी, अद्वितीय होगी तथा रैखिक समीकरण युग्म कैसा हुआ, संगत हुआ, ये आपकी अलग प्रकार की होती है। यहीं से देखे प्रतिनिधि है तो अलग प्रकार की अद्वितीय है, तो अद्वितीय है तो कैसे होगी, संगत। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट वीडियो में देखें।